महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। इसके साथ महाराष्ट्र में सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी विचार कर रही है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर एक बैठक करने वाली है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पुणे में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए यहाँ सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुणे के संभागीय आयुक्त ने बताया कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुणे ज़िले में स्कूल और कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन कल से लागू हो जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बताया है कि देश में कोरोना के सभी एक्टिव केस में से 74% केस महाराष्ट्र और केरल से हैं। यहाँ कोरोना से मौतें भी सबसे ज्यादा हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 6,281 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 40 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।